लेकिन एज एन एक्टर अगर मैं बात करूँ कि जब नेशनल अवार्ड के लिए फिल्मों को जब सिलेक्ट करते हैं और फिर जी कि हाँ जस्टिस मिलने लगा है, हाँ मतलब अब जो है अवार्ड वो सही जगह पर जा रहे हैं, आपको क्या लगता है एज एन एक्टर की जिस तरीके से अवार्ड आते हैं, अगर बात करें एफआर की नेशनल अवार्ड, तो भी किस तरीके के अभी आपको लगता है कि फिल्मों को अवार्ड देने चाहिए, दिए जा रहे हैं? देखिए, टाइम के हिसाब से लोगों का मेंटालिटी भी बदल रहा है और जूरी पर डिपेंडेंट है. तो जो लोग जो मेंबर्स को वो लोग लेते हैं एज अ जूरी, तो दैट इज़ व्हाट रिफ्लेक्ट्स ऑन द विनर्स. एंड आई थिंक वो लोग सही लोगों को ही लेकर कर रहे हैं. एंड थैंक यू टू द जूरी ऑल्सो फॉर गिविंग दिस टू एक दुआ, क्योंकि एक होता है कि सिनेमा फिल्म सबका दिल एक ही होता है हमारे ऑडियंसेस का, लेकिन एक नई पीढ़ी भी आ रही है, नेक्स्ट जेनरेशन, जेन एक्स जो बोलते हैं, हाँ, तो उनको भी इसी तरह मोल्ड कर कर टू एन्जॉय द ट्रेडिशंस ऑफ आर इंडियन सिनेमा ऑल्सो. वहाँ पे भी उन्हें, जैसे मेरे बच्चों को मैं शोले दिखाती हूँ, सत्ते पे सत्ता हो, सब देखते हैं वो लोग, क्योंकि दोज आर ऑल कल्ट फिल्म्स ना, तो सब एक ब्रिज होना बहुत जरूरी है. बात करो अगर आपकी, तो आपको संतूर वाली मॉम है, कहते हैं संतूर साबुन वाली मॉम काफी ज्यादा, मतलब एकदम एकदम ज्यादा ही, मतलब मुझे तो रियलाइज ही नहीं हो रहा कि मतलब मैं धूम से अभी भी आपको इमेजिन कर रहा हूँ कि मैंने जब फर्स्ट टाइम धूम देखी, धूम मेरी एक पहली फिल्म थी जो मैंने देखी थी अपनी लाइफ में, पहली फिल्म थी धूम, मैंने आपको देखी थी। अगर थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में अगर धूम की जाकर बात करूँ, तो किस तरीके का मतलब एक माहौल है उस टाइम, तो शायद मैं आपसे कम्युनिकेट कर नहीं पाता 3 साल हाउ बच्चा था। स्वीट जी भैया, बहुत लोगों को ये टॉपिक पर इंटरेस्ट है कि किस तरह का माहौल होता था धूम जब हम शूट करते थे. बिल्कुल फिल्म की तरह, यू नो, ऑन स्पीड, और पूरा एक फैमिली जैसा था यूनिट. मेरा जितने भी सीन्स थे सब खाली अपने विद द बॉयज, इट वाज विद जॉन, अभिषेक और उदय. तो आउटडोर भी हमारा साथ में था गोवा में, तो एक बहुत मज़ा आता था साथ में. और पैकअप के बाद बाइक्स लेकर निकल जाते थे वापस टू द होटल. तो इट वाज वेरी, सब सबका यही था कि कुछ अच्छा बने, यू नो. और सब कैरेक्टर में भी होते थे, और सबका एक तो बहुत ही बॉडी पर हमें ध्यान रखना पड़ता था, तो कौन क्या खा रहा है सेट पे वो हम देखते रहते थे. तो कभी कभी जबरदस्ती हम काजू कतरी लाकर रख देते थे सामने कि देखने को कौन खाता है, क्योंकि अगला दिन तो सबको टिप टॉप दिखना पड़ता है, यू नो. तो इट वॉज वेरी नाइस. लेकिन ऐसा लगता है कि भैया गदर मचाते हैं, मैम धूम मचाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा कभी कभी रियलाइज होता है कि अभी आगे जर्नी में आप किस तरीके के अलग अलग किरदारों में क्या कुछ नया करते हुए नजर आए, कि अब नेशनल अवार्ड के बाद तो एक अलग ही गर्व है। जी देखिए, मैं जो मेरा जर्नी रहा है शुरुआत से और अब जाकर अगर अप्रिसिएशन मिला है नेशनल अवार्ड जैसे, यू नो, इतने बड़े इतना बड़ा सम्मान, तो डेफिनेटली एक एनकरेजमेंट तो होता ही है. और द फैक्ट दैट मैं वापस काम कर रही हूँ, मैंने 2 वेब सीरीज भी किया है रुद्र अजय के साथ एंड हंटर अन्ना के साथ, और एक फिल्म अभी आने वाला है मेरा, उसका शूट अभी ख़त्म किया है मैं करके फिल्म है अमित साध के साथ. तो लकीली अब जाकर जो मैं, एक होता है कि वो एज में मैंने काफ़ी टीनी बॉपर, रोमांटिक, फन, एक्शन जैसे फिल्म्स किए, अब एक अलग सेंसिबिलिटी और एक मेंटालिटी अपने आप हो जाता है, यू नो, ओवर द इयर्स. तो आई एम ग्लैड दैट उस किस्म के रोल्स आ रहे हैं मेरे पास, और आई एन्जॉय गोइंग ऑन शूटिंग, स्टेपिंग आउट एंड वर्किंग. मुझे बहुत अच्छा लगता है. और बस जो कैरेक्टर्स, फन वाले फिल्म्स भी मुझे बहुत पसंद है करना, जैसे कॉमेडीज हो या यू नो, वो सब तो ज़रूरी है फॉर एन आर्टिस्ट टू एन्जॉय ऑल दैट. साइड बाय साइड ऑफ कोर्स फिल्म्स लाइक एक दुआ, अभी मैं भी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है, और जो किरदार मैं प्ले कर रही हूँ उसमें भी एक बहुत खूबसूरत मैसेज है फॉर विमेन. तो ऐसा कुछ मैसेज हो या कुछ मायने हो पिक्चर देखने के बाद, सम टेक अवेज, दैट्स व्हाट इंटरेस्ट मी आल्सो. लेकिन हम इन दिनों ऐसा है कि भागने का भाग को 10 साल हुए, तो एक बार फिर से पर्दे पर हम सभी को देखने मिली हो, जी भागने का भाग जो फिल्म थी उसे हाँ, 10 साल पूरे हुए, तो फिर से हम एक बार वो पर्दे पर देखने का मौका मिला, मतलब तो फिर से ऑडियंस अच्छा जा गया, अच्छा फिर से वो फिल्म रखी गई, उसके अच्छा बाद कोई मिल गया जब कंप्लीट हुआ, तो फिर से एक बार हमें कोई मिल हाँ गया जी पर्दे पर हाँ देखने का जी मौका मिला, फिर गदर का भी सेम हुआ, एक बार हम फिर जी से गदर देखे,
तरीके से नेशनल अवार्ड मिला, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक बार ये फिर से जो फिल्म है सभी ऑडियंस के लिए एक बड़े पर्दे पर आनी चाहिए एक दुआ? अगर आई तो बहुत ही अच्छा होगा। प्रोड्यूसर और एक्टर आपको क्या लगता है, मतलब मैं दोनों राय जानना चाहूंगा। देखिए ये जो कहानी है जो मैंने बनाई है, मैं चाहती हूँ कि ये लोगों तक पहुँचे, चाहे वो बड़े पर्दे से हो या OTT प्लेटफॉर्म से हो, देखिए। और अब जब जाके न्यूज़ में वापस आ रहा है कि एक दुआ को मिला है नेशनल अवार्ड, तो जितने लोगों ने शायद नहीं देखा हो वो भी इंटरेस्टेड है देखने को कि क्या है इस फिल्म में, तो और लोग देखना देख रहे हैं फिल्म को, जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मैसेज अगर जितने लोगों को पहुंचे उतना अच्छा है। जिन्होंने इतना प्यार दिया और आज एक दुआ को यहाँ तक पहुंचा दिया, फैंस ऑडियंस सबके लिए आप क्या कहना चाहेंगे परिवार के लिए? मैं पहले तो मेरे डायरेक्टर रामकमल मुखर्जी को थैंक यू कहना चाहूँगी, उन्होंने इतना प्यार से और दिल से इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और कहानी उनकी थी, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रामकमल मुखर्जी। और मेरे फैंस जो शुरुआत से लेकर अभी भी साथ में, मैं यही कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों से अभी जो सोशल मीडिया पर एक कनेक्शन बन रहा है जो पहले नहीं होता था हमारे लिए, तो आप लोगों का जो मैसेजेस है, इनकरेजिंग मैसेजेस हो कि आप आओ फिल्म्स में, ये वो सब पढ़ के अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड आप लोग मेरे लिए फैमिली हो और हमेशा रहोगे, सो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड ब्लेसिंग्स।